नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वकर्मा नगर जलाली पट्टी क्षेत्र में फैली गंदगी के चलते लोग हुए परेशान। लंका की कई कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा फॉगिंग व एंटी लार्वा ब्लीचिंग पाउडर का किया गया छिड़काव। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। और डीएवी पीजी कॉलेज में संस्कृत विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। विश्वकर्मा नगर जलाली पट्टी क्षेत्र में फैली गंदगी के चलते लोग परेशान हैं। विश्वकर्मा नगर जलाली पट्टी की स्थिति इन दिनों बद से बदतर हो गई है। क्षेत्र में रह रहे लोगों ने बताया कि यहाँ जीना दूभर हो गया है। यहाँ हमेशा पानी जमा रहता है और गंदगी का अंबार लगा रहता है। लोगों में भारी रोष है। राहुल कुमार पटेल ने बताया कि सीवर का गंदा पानी बहने से हमेशा यहाँ के लोग बीमार रहते हैं, महामारी का डर बना रहता है, लोगों में भय व्याप्त है। यहाँ हर घर में कोई न कोई व्यक्ति डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से ग्रसित है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं संबंधित जनप्रतिनिधि विधायक सुनील पटेल को बताया गया है, लेकिन वर्तमान विधायक डॉ. सुनील पटेल ने 20 दिन का वादा किया था और ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। विधायक जी यहां आए और पूरे मोहल्ले का निरीक्षण किया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सबके बीच तो पनिया कहल सबके घर में नहा धोन लगल हो कि कैसे मना करबू एक चंबर तो गिर आए तो एक बार कह सकते कि इनके अगल बगल है यहाँ से अरे कोई बच्चे जब तो साइकिल लेके गिर जा रहे हैं, कोई बच्चे स्कूटी लेके गिर जा रहा है, इसको तो बेहाल है। इसी में से आइए, यही समस्या है कि पानी इतना ज़्यादा, इतना दिन से सब लोग परेशान है, पानी इतना गिर रहा है, हम लोग आने जाने में दिक्कत हो, कोई मार्केट नहीं जा रहा है, कोई बच्चे गिर जा रहे हैं, बच्चे का कॉपी किताब खराब हो जा रहा है, बच्चे साइकिल लेके गिर जा रहे हैं, कोई स्कूटी लेके गिर जा रहा है। और मेरे घर में शादी पड़ा है, फिलहाल अभी 27 नवंबर को शादी है, कोई कैसे आएगा जाएगा गेस्ट लोग, हम लोग तो बहुत परेशान हैं, हम लोग को तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्या हम लोग तैयारी क्या करें। हाँ, दिया गया है, शिकायत किया गया है नगर निगम में। आप क्या जनप्रतिनिधि कोई आया था? अभी तक तो कोई आया नहीं है। कोई अधिकारी आया नहीं? अभी तक तो कोई आया नहीं है। अच्छा, चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ? क्या कहे, यही कह रहे कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, जिस हाँ शादी, मेरे घर में शादी है, जल्दी से जल्दी इसके काम किया जाए, बहुत जल्दी किया जाए। सर, निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी किया जाए। और ये हमारे गली में जो नाला बना हुआ है, इसका निकासी नहीं है और कुछ मकान वाले किरदार रख करके और गली में पानी गंदा बाहर है और सीवर का पानी बार बार कहने के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे, जिसके कारण डेंगू गांव में कॉलोनी में फैलने का आशंका पूरा बना हुआ है। और हम लोग इसके लिए नगर निगम में कई बार शिकायत किए और पूर्व विधायक सुनील पटेल जी से हम लोग कहे थे, हमारे विश्वकर्मा मंदिर पर आए थे पीछे, और उनसे कहा भी गया कि विधायक महोदय जी यहाँ नाला व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि जल निकासी व्यवस्था 15-20 दिन हम लोग करा देंगे, मगर वो अभी आज तक नहीं हुआ, जिसके कारण आज देखिए जल जमा पड़ा हुआ पीछे। कहीं पे आप लोगों ने लिखित शिकायत दी है? हम लोग पुराने विधायक को दिए थे, उनको सुरेंद्र प्रसाद जी और जी को हम लोग दिए थे नाले का, और नगर निगम हम लोग कई बार सूचना किए और 10-76 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी हम लोग फ़ोन किए थे, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई नाला भी बाद बनेगा। और किसी जोनल वगैरह अधिकारी को? नहीं, हम लोग करीब 2 साल पहले इसको नाला का दिए थे, 2 साल पहले। लंका की कई कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा फॉगिंग एवं एंटी लार्वा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया।
जहां एक तरफ डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों में इसका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर वाराणसी नगर निगम द्वारा लंका क्षेत्र के विवेक नगर कॉलोनी, महामनापुरी कॉलोनी में फॉगिंग एंटी लार्वा ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम का धन्यवाद दिया और बीच बीच में छिड़काव का निवेदन भी किया। इस दौरान सफाई इंस्पेक्टर दिवाकर पांडे, सफाई सुपरवाइजर अभिषेक तिवारी, विनय इत्यादि लोग शामिल रहे। किस प्रकार का यहाँ पर कार्य हुआ है? यहाँ डेंगू के प्रसार पूरे कॉलोनी नंबर 8 में मैक्सिमम घरों में है, और जिसका छिड़काव के लिए हम लोग आपसे तो नगर निगम की तरफ से कोई छिड़काव हुआ है? नगर निगम से एक दिन आज छिड़काव के लिए वो पानी वगैरह डाले थे, उसके बाद नहीं दिखाई। फॉगिंग हुआ है तो आपको कैसा लगा है? फॉगिंग से बहुत बढ़िया लगा, जिससे कि मच्छरों से आराम और दायक मिले। कहाँ, आपके घर के अंदर जाके या बाहर से किए? अंदर है, बाहर दोनों से मैंने करवाया। तो नगर निगम के कर्मचारियों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? इसलिए बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा। दिवाकर जी, आज किस प्रकार का कार्य आप लोगों ने यहाँ पर किया है और क्या करवाया है? आज क्षेत्र में जो है बड़ी गाड़ी से एंटी लार्वा का छिड़काव, छोटे हैंड स्प्रे मशीन से घरों में जो है एंटी लार्वा का छिड़काव। शाम को आप जैसा देख रहे हैं गलियों में हम अपनी पूरी टीम के साथ घूम रहे हैं और घूम घूम के फॉगिंग कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। फॉगिंग हो भी रही है और जैसा आपने जो है स्थानीय लोगों से भी आपने जानकारी प्राप्त की यहाँ पर हो रहे हैं। तो दिवाकर जी, इसमें जैसे डेंगू का प्रकोप जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो ये कार्य केवल एक ही बार होता है या हफ्ते में या 15 दिन पे, कितने दिन पे कार्य करवाते हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में कार्य रोस्टर के अनुसार हम लोग करवाते रहते हैं, ज्यादातर शिकायत बेसिस होता है और कभी कभी जैसे हमें शिकायतें कम होती है अवसर मिलता है तो हम पूरे क्षेत्र में मैक्सिमम गलियों में एक तरफ से भी करवाते हैं। फॉगिंग कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ है? फॉगिंग कार्य आज जो है महामनापुरी कॉलोनी की सभी लेन में कराया जा रहा है और आगे हम लोग विवेक नगर में इस क्षेत्र में कराएंगे, भगवानपुर में रत्नाकर विहार, छित्रपुर में रत्नाकर विहार कॉलोनी, भगवानपुर में सत्यम नगर कॉलोनी, इन सब जगहों पर अभी थोड़ी देर में फॉगिंग कार्य पूर्ण कराया जाए। लोगों को कुछ संदेश भी दे रहे आप लोग डेंगू से बचाव के लिए? लोगों के लिए यही संदेश है, बिना लोगों के सहयोग के हम डेंगू का रोकथाम प्रभावी नहीं कर सकते। मेन वो अपने घरों में कहीं पर पानी को इकट्ठा न होने दें, साफ पानी को ढक के रखें, कहीं खुला पानी न रहे और कोशिश करें कि अपने आसपास कूड़े को इधर उधर न फेंके, उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखें। जब सफाई मित्र आएं तो उनको जो है उनके हाथ ठेला में ही कूड़ा उपलब्ध कराएं और जितना ज़्यादा हो सके स्वयं की स्वच्छता पर ध्यान दें। सफाई मित्र आपके कब कब आते हैं? सफाई मित्र प्रजाइन का जो समय है नगर आयुक्त महोदय द्वारा जो इनका समय निर्धारित किया गया है, प्रातः काल से लेकर दोपहर में रहते हैं, सुबह 6 बजे से शाम को दोपहर में 1 बजे तक ये कार्यरत रहते हैं। शाम को जो है सैनिटाइजेशन की जो टीम है वो फॉगिंग कार्य करती है और दिन में सैनिटाइजेशन की टीम एंटी लार्वा का छिड़काव। कितने ये सफाईकर्मी लगे हुए इस क्षेत्र में? खुजवा ग्रामीण सब जोन में 167 सफाई मित्र कार्यरत हैं और विभिन्न गांव में आबादी के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई है। BHU हिंदी विभाग के छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अधर में अटकी रिपोर्ट को 10 दिनों के अंदर दिया जाए, इसके साथ ही जब तक कमेटी की रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ जाती है तब तक शोध प्रवेश प्रक्रिया की नई विज्ञप्ति न जारी की जाए। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अबरार अहमद, प्रिंस कुमार, चंदन दुबे सहित कई छात्र शामिल रहे। आज आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं? जी, आप लोग को पहले भी अवगत कराया जा चुका है कि जो शोध प्रवेश प्रक्रिया में जो धांधली हुई थी उसके अगेन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी निर्मित हुई थी, जो उसका रिपोर्ट है, उसकी मांग, मतलब रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए हम लोग के समक्ष, इस वजह से हम लोग आज सेंट्रल ऑफिस का घेराव किए थे और कुलपति सर को ज्ञापन सौंपे हैं कि जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक शोध प्रवेश प्रक्रिया का जो नया विज्ञप्ति है वो जारी न की जाए और हम सभी छात्रों को हितों में देखते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी की जाए। तो कुलपति जी ने क्या आपको आश्वासन दिया? कुलपति सर फिलहाल यहाँ पे है नहीं, हम लोग विज्ञप्ति दे दिए हैं उनके ऑफिस में,
वो जैसे ही वो विज्ञप्ति उनके पास जाएगी तो फिर वो देखिए किस तरह का एक्शन लेते हैं। राज्य किस प्रकार का आप लोग आज ज्ञापन सौंपने आते हो, कहाँ पर आए? ज्ञापन हम लोग का इस विषय पे था कि हम लोग जो अभी पीएचडी का एडमिशन जो हुआ है उसमें कुछ धांधलियाँ हुई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसी के पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। तो अभी हम लोग को आश्वासन मिला है कि आपको 15 तारीख तक मिल जाएगी, आपको 15-11 तक। तो हम लोग आए थे यहाँ पे धरना आमरण अनशन करने के लिए, मगर बोला गया है कि नहीं, आप लोग को एक हफ्ते का समय दिया जाता है, उसके बाद हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए अपना धरना बंद किया गया है। अभी डीएवीपीजी कॉलेज में संस्कृत विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। डीएवीपीजी कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में 10 दिवसीय वैदिक गणित की राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हरिराम त्रिपाठी व प्रधानाचार्य सत्यदेव सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर उपेन्द्र पांडे उपस्थित रहे। अतिथियों का सम्मान कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने संगोष्ठी के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजीत कुमार यादव, दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ये डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा इसके यशस्वी प्राचार्य के द्वारा जो 10 संस्कृत विभाग द्वारा जो 10 दिवसीय वैदिक गणितीय जो कार्यशाला रखा गया, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उसके लिए उसके अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत महाविद्यालय में दी है, उसके लिए अत्यंत उपकारक है। इससे भविष्य में आने वाले जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विशदीकरण होगा और आगे आने वाली जो शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। देखिए, वैदिक गणित में जो गणित के कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मैं तो ये कहता हूँ, वैसे तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम अपने छात्रों को कुछ रूटीन से हट के कुछ हम और चीज़ें सिखाना चाहते हैं। हमने वैदिक गणित का ये जो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जो उसमें कार्यशाला किया है आज हमने, उसी का एक अंश है। लेकिन इसको जब मैंने पढ़ा वैदिक गणित को, तो मैं कहना चाहूँगा आज के सभी अपने उन अभिभावकों से जिनके बच्चे अभी 9 से 10 साल के हैं, उनको ये वैदिक गणित को सीख के अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। क्योंकि वैदिक गणित एक ऐसा माध्यम है कि जो गणित से जो बच्चे, जो इन्होंने अभी कहा कि गणित से भागते हैं लोग, जो लोग भागते हैं, जो बच्चे भागते हैं, वो बच्चे इस वैदिक गणित के माध्यम से बड़े कैलकुलेशन को तुरंत कर सकते हैं। और जो उनकी उनके लिए जो चीज़ बहुत, जो प्रश्न बहुत कठिन होता है, वो वैदिक गणित के माध्यम से बहुत आसान है। ये शिक्षा हर जगह मिल रही है, कैसे अब मिल रही है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपने यहाँ दूंगा इसको खूब अच्छे से। उद्घाटन हुआ यहाँ से वो? यहाँ हम उद्घाटन तो इसका कार्यशाला का हुआ, लेकिन ये सर्टिफिकेट कोर्स हमारा शुरू हो गया जी। ये हम अपने बच्चों से कितने, कौन से छात्र इसमें कोई भी छात्र भाग ले सकता है, आपका अपना बच्चा ही भाग ले सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 54वें एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के 14वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर विद्यालय की प्रधानाचार्यों ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे तथा अध्यापकों ने पुष्प वर्षा तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि को मंचासीन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन आरएस गौतम, आईपीएस डीसी
एनसीपी काशी जोन संचालिका डॉ. जयशीला पांडे, दोनों विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद गणेश पूजन किया गया, तदुपरांत मुख्य अतिथि का बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे द्वारा बैज अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा मशाल प्रज्वलित कर खेलकूद समारोह का शुभारंभ कराया गया, साथ ही बच्चों द्वारा खेलकूद नियमावली का शपथ ग्रहण किया गया। खेलकूद के विविध कार्यक्रमों में छोटे बच्चों का जलेबी रेस, फ्रॉग रेस, वेजिटेबल रेस तथा बड़े बच्चों का रेस लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉटपुट, चेस एवं कैरम सम्मिलित रहा। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अति आवश्यक है। विद्यालय की संचालिका डॉ. जयशीला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को यह संदेश दिया कि खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे, बाल विद्यालय डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। मैडम, बगल में थोड़ा हाथ नीचे करिएगा, ये थोड़ा रख दीजिए। आचार्य सीताराम महाविद्यालय के प्रांगण में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के 54वें खेलकूद कार्यक्रमों का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक साहब, विद्यालय के प्रबंधक साहब की माजी प्रिंसिपल साहबान, समस्त विद्यालय परिवार और विद्यालय के बच्चों ने मार्च पास्ट किया व साथ ही साथ गणेश वंदना मंच पर प्रस्तुत की गई। ये 3 दिवस खेलकूद के कार्यक्रम प्रांगण में चलेंगे। विद्यालय पठन पाठन के साथ
जो नई शिक्षा नीति में शरीर को बलिष्ठ की बनाने की भी बात कही गई है कि तन से भी सुंदर और मन से भी सुंदर बच्चे बने, उसको चरितार्थ करने के लिए विद्यालय में बहुत ही अनुशासित ढंग से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। मैं सभी आयोजक मंडल को, विद्यालय परिवार को और प्रबंधक साहब की माँ जी को और प्रबंधक साहब को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाई दी। सर, पढ़ाई के साथ साथ कितना ज़रूरी है छात्रों को ये क्या है? आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए मन की सुंदरता के लिए शरीर की सुंदरता का होना भी अति आवश्यक है। यहाँ सुंदरता का मतलब कि स्वस्थ होना, हेल्दी होना, ये आवश्यक है। इसलिए जहाँ एक तरफ मानसिक विकास के लिए पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले, वहीं शरीर स्वस्थ होने के लिए खेल कूद का और नियमित व्यायाम का, पीटी का, योग का होना भी आवश्यक है। और उसी कड़ी में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में संपन्न हो रहा है। BHO ABVP इकाई ने फीस वृद्धि के विरोध में सिंह द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र कल्याण केंद्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र विभिन्न तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दर्जनों की संख्या में छात्र कल्याण केंद्र से रैली निकाली, जो BHO सिंहद्वार तक गई। छात्रों ने BHO प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र कल्याण केंद्र से निकलकर कुलपति आवास होते हुए महिला महाविद्यालय के बाद BHO सिंहद्वार तक पहुंचे, जहां पर छात्रों ने सिंहद्वार को बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। देखिए, सबको विदित है कि पिछले 25 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि हुई है, उसके विरुद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन छात्र संघ भवन पे कर रही थी। परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन इतना बेशरम है, इतना हठी है कि फीस वृद्धि के मुद्दे से छात्रों भटकाने के लिए तमाम प्रकार के पैंतरे तो आजमा रहा है, परंतु अपने ही छात्रों से संवाद करने को तैयार नहीं हो रहा है। आज 25 दिन बीतने के बाद जब हर प्रकार से हमने विश्वविद्यालय प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, तो इस बहरे विश्वविद्यालय प्रशासन के चलते और इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको मजबूर किया कि आज हम यहाँ आए, इस लंका गेट को बंद करें और यह मांगों के माने जाएं तक हमारी ये लंका गेट ऐसे ही बंद रहेगा। यह अनिश्चितकालीन धरना पिछले 25 दिनों से चल रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि दिवाली, छठ और सभी प्रकार के त्यौहार हम लोगों ने धरना स्थल पर ही मनाया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन हमको एक तरह से हल्के में ले रहा था। उनको लगा था कि छात्र बैठे तो बैठे रहेंगे और कब तक बैठेंगे, हमारी सहनशीलता का परिचय ले रहा। गेट हमने इसलिए बंद किया है क्योंकि यह विश्वविद्यालय प्रशासन बाहरी दुनिया को कुछ और दिखाता है, अंदर अपने छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह दिखाने के लिए फीस वृद्धि जब तक वापस नहीं होगी, यह संदेश देने के लिए ये गेट हमने बंद किया। और ये गेट तब तक बंद रहेगा जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस फीस वृद्धि के मुद्दे को वापस नहीं लेता, फीस वृद्धि वापस नहीं लेता, हमारी मांगे नहीं मानता है। देखिए, हमारा सीधा सीधा कहना है, एम्बुलेंस के लिए कोई रोक टोक नहीं है। एम्बुलेंस कितनी भी आए, कभी भी आए, एम्बुलेंस जाएगी। सामान आवागमन हमने बाधित किया, वह बाधित रहेगा। शिनाग्री नाटक मंडली न्यास द्वारा आयोजित बाल नाट्य महोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। श्रीनागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव 2022 का आयोजन आगामी 12 नवंबर से 14 नवंबर को प्रतिदिन शाम 6 बजे से श्री मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में होगा। इस 3 दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव में कुल 6 नाटकों का मंचन विभिन्न संस्थाओं एवं स्कूल के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। इस बात की जानकारी संयोजिका सुमन पाठक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।
कब और क्या होने जा रहा है नागरी नाटक मंडल में? ये अभी जो है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि पिछले दिनों में 70 के दशकों से लेकर 80 तक के दशकों तक यहाँ नागरी नाटक मंडली बच्चों के स्कूल के कॉम्पिटिशन्स कराती थी। हर लेवल में, चार वर्गों में जो है कॉम्पिटिशन हुआ करता था। 80-85 के बाद से यहाँ पर ये स्थिति हो गई कि सभी स्कूलों ने कहा कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, लिहाजा धीरे धीरे स्कूल कम होते गए तो हम लोगों ने वो कार्यक्रम को बंद कर दिया। लेकिन हर साल जैसे हम लोग बच्चों की वर्कशॉप करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बच्चों का महोत्सव जैसा यहाँ नाटक के महोत्सव जैसा बच्चों का कुछ नहीं होता था। म्यूज़िक के प्रोग्राम हो जाते थे, डांस के प्रोग्राम हो जा सकते थे, लेकिन नाटक के लिए कुछ नहीं होता था। तो हम लोगों ने न्यास को बोला कि ऐसा किया जाए। न्यास ने सहर्ष जो है स्वीकार किया कि हाँ करिए, और हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। अभी शुरुआती दौर में सिर्फ 3 दिन का कार्यक्रम हमने रखा है कि हम देखते हैं कि कितने स्कूल हमारे साथ जुड़ेंगे, कितने ऑडियंस आएगी, ये देखने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। 12, 13 और 14 नवम्बर, 14 नवंबर वैसे भी बाल दिवस होता है, और 2 दिन पहले से ऐसे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। एक एक दिन में 2-2 स्कूल अपने पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने नाटकों की अवधि 1/2 घंटे से 1 घंटे रखी है। कोई 40 मिनट का करेगा, कोई 1 घंटे का करेगा, कोई 1/2 घंटे का करेगा। नागरी नाटक मंडली के यहाँ स्टेज पर ही ये कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम में जितने भी स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या संस्थाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके जो छोटे बच्चे बेस्ट बच्चे नाटक के हैं, वही बच्चे हमारे यहाँ लाइटनिंग ऑफ लैम्प करेंगे, वही हमारे चीफ गेस्ट होंगे। हर स्कूल का बच्चा, हर संस्था का जो बेस्ट बच्चा है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। और उसके अलावा जो है प्रतिदिन ये 3 दिन मिला के मेरे ख्याल है 100 बच्चे इसमें प्रतिभागिता करेंगे। हर बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और हमारे जो भी उसके निर्देशक होंगे उनका हम ऑनर करेंगे इसी मंच पर यहीं से। भोजपुरी मंच की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भोजपुरी मंच के अध्यक्ष शंभु राय ने कहा कि भोजपुरी भारत की अत्यंत प्राचीन व जीवंत भाषा है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोक साहित्य व लोक संस्कृति के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध भाषा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए सरकार से मांग की कि भोजपुरी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर भोजपुरी समाज का मान बढ़ाया जाए। ये भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इसीलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है कि भोजपुरी माई के भाषा, माई के उपहार, ओके पढ़ाई मिले मान्यता, मान ले सरकार। 1% से भी कम बोले जाने वाली बोलियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में यह बोली जाती है, और राज्यों में बोली जाती है, विदेशों में इसका परचम लहराता है, विदेशों की राष्ट्रभाषा है, लेकिन भोजपुरी उपेक्षित है। तो ये माई के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। श्रमिकों की भाषा है, श्रम शक्ति का यह क्या है कि उपेक्षा है, और उसकी प्रतिष्ठा को आघात भी लगता है जब उन्हें गंवार और कोई बुद्धू कहता है। कहाँ नहीं है भोजपुरी वाला। तो मैं ये लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग जगिए और इस माई के भाषा के लिए मांग उठाइए, सरकार से मांगिए कि सरकार इसको मान्यता दे, इसकी पढ़ाई होगी, इसमें रोजगार बढ़ेगा और फिर ये भाषा समृद्ध होगी, यही हमारी इस पर मांग है। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वकर्मा नगर जलाली पट्टी क्षेत्र में फैली गंदगी के चलते लोग हुए परेशान। लंका की कई कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा फॉगिंग व एंटी लार्वा ब्लीचिंग पाउडर का किया गया छिड़काव। बीएचओ हिंदी विभाग के छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। और डीएवी पीजी कॉलेज में संस्कृत विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला हुई आयोजित।
तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।